जब हम अपने किचन में बनाएंगे स्वीट रेसिपी, तो ये हम बनाएंगे किचन के ही चीज़ों से। सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम बनाएंगे 1.5 किलो से भी ज़्यादा मिठाई। हेलो एवरीवन, मैं नीलू स्वागत करती हूँ आप सबको अपने चैनल नीलू क्रिएटिविटी में। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नारियल ले लेना है। इसे मैंने अच्छे से छील कर इसका ब्राउन पार्ट भी हटा दिया है और इसे धोकर छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। एक छोटी कटोरी से माप लिया है मैंने, तो ये 1.5 कटोरी है। और हम इसे पहले पीस लेंगे ताकि अच्छा सा बारीक बुरादा बन जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिस कप से हमने नारियल माप के लिया उस कप से 2 कप हमने लिया दूध। दूध बिल्कुल ठंडा है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप सूजी, उसी बाउल से ऐड करेंगे जिस बाउल से हमने नारियल माप किया था। और फिर सारी चीज़ों को हम अच्छा सा पीस लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। जो भी मिक्सी के जार में लगा हो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम अच्छे से धोकर ले लेंगे। कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। और फिर हम इसे गैस पर रखेंगे। गैस को हमने कर दिया है ऑन और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें थोड़ा इसे गाढ़ा करना है। इस टाइम पे हम थोड़ा इसे कंटिन्यू ही चलाएंगे क्योंकि हमने इसमें कोई अभी घी नहीं ऐड किया है, तो ये नीचे चिपक सकता है। इसलिए हम कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे हम गाढ़ा करेंगे ताकि जो भी हमने सूजी इसमें ऐड किया है, नारियल है, सारी चीज़ें अच्छे से पक सके। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो भी ये आपका परफेक्ट ही बनेगा। तो ये देख सकते हैं चलाते हुए, कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसे अच्छा सा गाढ़ा कर लिया है। बिल्कुल ये सूख चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस टाइम पे 2 चम्मच घी। घी हम थोड़ा और भी ऐड करेंगे बट बाद में करेंगे, हम अभी एक साथ सारे घी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। इसमें जो इसका वाइटनेस है उसे हमें बरकरार रखना है। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस और इसके साथ ही जाएगा इसमें 1.5 कप चीनी। जिस कप से माप कर हमने सूजी लिया, नारियल लिया है, उसी कप से माप के हमने यहाँ चीनी लिया है। और यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डाला है। मैंने इसे वेनिला फ्लेवर में बनाया। आप अगर चाहे या फिर वेनिला एसेंस नहीं अवेलेबल हो तो यहाँ पर इलायची का फ्लेवर डाल सकते हैं या फिर केसर को थोड़ा सा दूध में मिक्स करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं केसर फ्लेवर बनाने के लिए, या फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने कितने सारे फ्लेवर बता दिए, आप ये सारे फ्लेवर इस मिठाई में बना सकते हैं जो भी आपको पसंद। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है, बट हमें इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे अच्छा सा गाढ़ा बनाना है, इतना ताकि हम जब इसे जमाएं तो ये अच्छे से जम जाए। तो हमें जमने की कंसिस्टेंसी आने तक इसे चलाते हुए पकाना है। और इस टाइम पे मैंने फिर से 2 चम्मच घी ऐड करना है यहाँ पर। हम इसे पकाते हुए मुझे इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। और ये घी ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं मिश्रण कढ़ाई अच्छे से छोड़ रहा है, मतलब मिश्रण जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और हम जिस भी बर्तन में आप इसे जमाना चाहते हैं उसे तेल लगा कर ग्रीस कर ले। अगर आप तेल लगा कर ग्रीस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ऐसे आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं बट तेल लगाना ज़्यादा बेटर है। तो हम 1/2 मिश्रण इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल फैला देंगे। चम्मच के पीछे की ओर से घी लगा कर आप इसे फैलाएंगे तो ये आराम से फैल जाएगा। और 1/2 मिश्रण में हम यहाँ पर डालेंगे फूड कलर। तो ये मेरे पास ग्रीन कलर का फूड कलर है तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो पीला या रेड अवेलेबल हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने चुटकी भर डाला तो इससे अच्छा कलर नहीं आया तो मैंने चुटकी भर और डाला है। अब हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट खिलकर आएगा जैसा हमें चाहिए। और कलर मिक्स करने वक्त मैंने गैस को ऑन कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस है ताकि कलर के साथ भी थोड़ा सा ये पक जाए। और 1 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देख सकते कितना ही अच्छा सा ग्रीन कलर आया है। अब हम इसे बर्फ़ी के ऊपर डाल देते हैं जो हमने पहले से फैला कर रखा है वाइट कलर वाला, उसके ऊपर ही हम इसे भी डाल देंगे। और चम्मच के पीछे थोड़ा सा घी लगाते हुए हम इसे फैलाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से फैल जाएगा। और इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया है बट आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। बट ये बर्फ़ी मुझे बिल्कुल सिंपल ही बनानी थी तो मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए, अच्छे लुक के लिए मैंने इसके ऊपर यूज किया है सूखा हुआ नारियल जो हम गड़ी बोलते हैं, उसे ही मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल दिया है। और हाथों से ही हम इसे थोड़ा सा
चिपका देंगे हाथों से। जब इसे टैप टैप करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा ताकि ये निकले नहीं। और ये इतना ही सिंपल सा लुक इसका बहुत ही गजब सा और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लगता है। और बस हम जमने के लिए इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1.5 घंटे के बाद देख सकते हैं ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, जम चुका है। और क्योंकि हमने इसे ऑयल से ग्रीस करके जमने के लिए रखा था तो हमें इसे पीछे से गर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है। बट अगर नहीं निकले बर्फ़ी पलटने के बाद तो आप गैस के ऊपर थोड़ा सा इसे गर्म कर ले पीछे की साइड से, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं हम पीछे के साइड से ही इसे कट कर लेंगे। इस बर्फ़ी को मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, बट अगर आप चाहे कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसे किसी बड़े बर्तन में फैलाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। और इसे मैंने थोड़ा मोटा ही बनाया है और बड़े बड़े पीसेज में ही कट किया है। पीसेज आप अपने अनुसार कट कर सकते हैं, छोटे बड़े चौकोर शेप में जैसा चाहिए आपको आप वैसा कट कर लें। और ये देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा सा मिठाई बनकर रेडी है, बिल्कुल घर के चीज़ों। तो मैं एक मिठाई तोड़कर भी दिखा दूंगी कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बिल्कुल आप ये खाएंगे ना तो पता ही नहीं लगने वाला है कि इसमें नारियल है और सूजी है। ये किसी को समझ में नहीं आने वाला जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपने किन चीज़ों से ये बनाया है। तो अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर करें। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच की